Hello friends, welcome to my channel The Table Delights. So today I'll be showing you a very popular sabzi, that is Baingan Bharta. रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो ये रेसिपी के लिए मैंने यहाँ एक बड़ी साइज का बैंगन लिया है जिसकी सरफेस आप देख सकते हो कि स्मूथ है और शाइनी भी है। अब नाइफ की हेल्प से हम इसमें छोटे कट्स रखेंगे एट इक्वल इंटरवल्स और इसमें हम रखेंगे लहसुन की कली। इस तरह लहसुन की फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगी। अब पूरे बैंगन को ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। अब बैंगन को धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। नीचे जाली रखने से थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट ट्रस्ट मी ब्रिंजल काफ़ी अच्छे से रोस्ट होगा और आपका गैस स्टोव भी ख़राब नहीं होगा। इसकी ग्रेवी के लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, और साथ में लेंगे हम हरी प्याज, जो वाइट और ग्रीन पोर्शन दोनों को अलग रखना है, और एक छोटी साइज का टमाटर। अब पैन में गरम करेंगे तेल और जाएगा एक चम्मच जीरा, आधी चम्मच हींग। अब ऐड करेंगे हरी प्याज, मैं फिलहाल वाइट पोर्शन ही ऐड कर रही हूँ। इसको सौते करेंगे एक या दो मिनट तक। अब ऐड करेंगे थोड़ी सी मूंगफली, टमाटर और प्याज पत्ता। इसे एक मिनट सौते कीजिए और ऐड करेंगे हरा लहसुन। अब ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। अब जिस तरह तीखा खाना पसंद करते हैं उतनी क्वांटिटी ऐड कीजिए। तो ये बैंगन अच्छे से रोस्ट हो गया है और अब इसकी स्किन निकालेंगे। पोटैटो मैशर या बड़ी चम्मच की हेल्प से अब बैंगन को मैश कीजिए और ऐड करना है पैन के अंदर। नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार। मैंने थोड़े प्याज पत्ते बाकी रखे थे वो मैं ऐड करूंगी। ये बढ़िया सा बैंगन भरता रेडी है। इसे गार्निश करेंगे हरे लहसुन और धनिया के साथ। इसे एंजॉय कीजिए बाजरी या ज्वार की रोटी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।